दादा क्या चार लाइन है स्वागत कि खुदा को गरीब नवाज क्यों कहते हैं। मेरे दिल के बहुत गरीब की लाइनें हैं और ये भी मेरे पिताजी की है, अगर वो पढ़े तो दादा बुला बुला बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर वो पढ़े इन चार लाइनों को तो बहुत प्यारा लिखते हैं दादा, बहुत गजब का लिखते हैं। कि लब आपके हैं जादूगरी मेरी देखिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, और जिसने एक कवि को इस धरा पर उतारा है मैं उसके पापा को भावनाओं के समंदर में नहाने के लिए बुला रहा हूं। सर हम चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई कुछ दिलचस्प कविता या गजल सर सुनने का अवसर प्रदान करें। कौन नमस्कार गुरु बनकर छात्राओं को सीख दी, इसलिए तो इन्होंने तो महेश के रूप में पूरी एक किताब लिख ली। क्या बात है क्या बात है। आज मेरे पौत्र के जन्मोत्सव हुआ, आप लोग मेरे अतिथि हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपके पदाने हमारे कार्यक्रम की ये शोभा बढ़ी इस दृष्टिकोण से भी, और इस दृष्टिकोण से भी कि आप लोग समाज में चेतना का काम कर रहे हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मैंने भी मेरे जीवन में मैं अध्यापक रहा हूँ, जो मैंने किया है बस उसी को मैंने कहने का प्रयास किया। बच्चों को जो शिक्षा देते हैं और जीवन में मुझे ऐसे अवसर मिले हैं मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं इस गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ा, वो स्कूल सेकेंडरी हुआ और जब मेरी नौकरी लगी तो मैं फिर इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन के आया मेरे गांव में। तो ये सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है। जिन गुरु जी ने मुझे पढ़ाया है वो गुरु जी भी इसी विद्यालय में थे, तब मैं प्रधानाध्यापक था। फिर मुझे इस विभाग में शिक्षा विभाग में लगभग सभी पदों का पर रहने का अवसर मिला है, एक अध्यापक से लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी तक। तो ये भी मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ा है, मैंने बच्चों को पढ़ा है, बालकों को पढ़ा है मैंने और पढ़ाया भी है। किस तरह से हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं बच्चों के माध्यम से, हमें राष्ट्र निर्माता कहा है तो हमने प्रयास ये किया है कि हम बच्चों के माध्यम से किस तरह से राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा अवसर मिलता है तो हम हमारी ये बात कहने का प्रयास करते हैं। आज के परिवेश में जो मैं देखता हूँ उसी में मैं चार पंक्तियाँ कहने का प्रयास किया है। धर्म से भी कर्म को भी भूल गए, धर्म से भी भूल गए, महापुरुषों के उपदेश को बचाइए। धर्म से भी भूल गए, कर्म को भी भूल गए, महापुरुषों के उपदेश को बचाइए। कि प्रेम प्यार मिट गए, नैतिक निष्ठा घट गए, मूल्य कुछ शेष है तो शेष को बचाइए। और दूषित है धन जन तन मन पर्यावरण, दूषित है जन जन तन मन पर्यावरण, प्रदूषित होने से परिवेश को बचाइए, और प्राण की आहुति देकर देशी को बचाना पड़े, प्राण रक्षण देकर भी देशी को बचाइए, प्राण रक्षण देकर बचाइए। धन्यवाद सर। मैं स्वागत स्वागत भाई सब तालियां से होता हंसता होता है ताकि हमेशा इससे भी बढ़िया हमको सुनने को मौका मिले। हमने बच्चों को ही सब कुछ माना है
बचपन की वजह से हम इस विचार से हम बच्चों के साथ काम हमने जीवन भर किया है। तो कुछ परीक्षा मैंने बच्चों के बारे में लिखी है कि हमें बच्चों के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए, कितना जब हम समर्पण भाव से निष्ठा से जब काम करते हैं विद्यालय में तो कुछ कर पाते हैं। हमें जब जब भी मुझे अध्यापकों से बातचीत करने का अवसर मिलता है तभी मैं इसी तरह के विचार रखता था। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ इस पर अपने अपने ढंग से लिखी कि हम बच्चों के प्रति कितना समर्पित हैं, कुछ कहने का प्रयास किया है मैंने पंक्तियों में कविता के माध्यम से। स्वागत स्वागत सर। महबते फूल कलियाँ बच्चे महकते फूल कलियाँ बच्चे बच्चियाँ मेरा